हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IA, बैंक क्लर्क, PO, NIC, साइंटिफिक असिस्टेंट, PO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, IT ऑफिसर में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर से संबंधित अपना वीडियो पूर्व में अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक तथा आगामी सभी वीडियोस पूर्व में अपलोड किए गए वीडियोस से लिंक होते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आगामी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है इनपुट पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड स्कैनर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, डिजिटाइजर, स्कैनर, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर, OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इनपुट डिवाइसेस हैं। अब बात करते हैं कीबोर्ड की। कीबोर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस है, मींस हर जगह आपको ये यूज़ करते हुए मिल जाएंगे कीबोर्ड को। किसी भी साइबर कैफे में आप चले जाइए, कहीं भी जहाँ भी आपको PC रखा हुआ मिलेगा वहाँ पर कीबोर्ड भी मिल जाएगा। कीबोर्ड को इन्वेंट किया था क्रिस्टोफर लेथम सोलेस ने, और कीबोर्ड को जो प्राइमरी डिज़ाइन किया गया था वो डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। कीबोर्ड में 5 टाइप की कीज़ होती है। सबसे पहले होती है टाइपिंग कीज़, जिसमें ABCD से लेके Z तक की कीज़ एंड पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं। न्यूमेरिक कीज़ होती है जिसमें 0, 1, 2, 9 होते हैं। फंक्शन कीज़ होती है जिसमें F1, F2, F3 से लेकर F12 तक होते हैं। कंट्रोल कीज़ होती हैं जिसमें एरो कीज़, होम कीज़, एंड कीज़, इंसर्ट की, डिलीट, बैक स्पेस, ये सब होती हैं। स्पेशल पर्पज़ कीज़ होती है जिसमें एंटर होती है, शिफ्ट होती है, कैप्स लॉक होती है, नंबर लॉक होती है, स्पेस बार होती है, टैब होती है, प्रिंट स्क्रीन होती है। तो दोस्तों, कीबोर्ड के बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पूछी जाती है कीबोर्ड के बारे में, अगर पूछते भी हैं तो। अब बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में। पॉइंटिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस का ही सब कैटेगरी है। पॉइंटिंग डिवाइसेस मींस इनपुट डिवाइसेस तो ये हैं ही, साथ ही इनमें एक और फीचर आ जाता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने का, जिसके कारण इनको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। मींस एक एक्स्ट्रा फीचर इनमें ऐड हो जाता है पॉइंट आउट करने का। ये होते हैं माउस, टच पैड, पॉइंटिंग स्टिक, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो सबसे पहले बात करते हैं माउस के बारे में। माउस जो होता है ये एक पॉइंटिंग एंड कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है, मींस पॉइंट आउट करने के काम आता है। इसको इन्वेंट किया था डगलस एंगलबार्ट ने 1964 में। ये एक हैंड हेल्ड डिवाइस है, मीन्स आप इसको हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आप इसको हाथ से ऑपरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मॉनिटर के अंदर एक डॉट टाइप का एक पॉइंट सा दिखता है, वो भी इसको मूव करने के साथ साथ वो भी मूव होता है, जिसको कर्सर बोलते हैं। तो उस कर्सर के बारे में अगर बात की जाए तो कर्सर का जो टॉप टिप टॉप पॉइंट होता है जो उसे हॉटस्पॉट बोला जाता है, और ये कर्सर माउस के मूवमेंट के हिसाब से ही मूव करता है। माउस भी ऑप्टिकल माउस भी होते हैं, नॉर्मल माउस भी होते हैं। कई माउस ऐसे होते हैं जिनमें नीचे एक बॉल लगी होती है, जो बॉल मूवमेंट करती है उस हिसाब से कर्सर मूव करता है। और कई माउस होते हैं जो ऑप्टिकल माउस होते हैं, जिनमें लाइट की सेंसिंग से, सरफेस से टकरा के जो लाइट आती है उसके सेंसिंग से जो है कर्सर मूव करता है। तो माउस कई टाइप के होते हैं, ऑप्टिकल माउस और जो बॉल बियरिंग वाले माउस। अब बात करते हैं जॉयस्टिक की। जॉयस्टिक
एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है जॉयस्टिक भी, जिसमें कर्सर का मूवमेंट एक हैंडल लगा हुआ होता है जॉयस्टिक के अंदर, जिसको आप हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं। इस हैंडल को आप जैसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अप डाउन डायगोनली जैसे भी आप इसको मूव करेंगे उसी हिसाब से जो कर्सर है वो मूव होता है। अब ये मूवमेंट कैसे होता है, तो इसमें एक पोटेंशियोमीटर इसके अंदर लगा होता है। ये पोटेंशियोमीटर जो होता है ये सेंस करता है मूवमेंट को, हैंडल के मूवमेंट को सेंस करता है और उसी हिसाब से जो है कर्सर के मूवमेंट को ऑपरेट करता है। तो पोटेंशियोमीटर एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर गेम्स में, कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में। ये कैड जो है एक मैकेनिकल से रिलेटेड फील्ड है, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग होती है इसके अंदर, और रोबोटिक्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, एंड फ्लाइट सिम्युलेटर में इसका यूज़ किया जाता है, ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। तो जॉयस्टिक का काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ट्रैक बॉल की, तो ट्रैक बॉल कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ट्रैक बॉल जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, लैपटॉप्स के अंदर जो माउस होता है इनबिल्ट माउस, जो स्टेबल माउस होता है, उसी को ट्रैक बॉल बोला जाता है। तो इस ट्रैक बॉल में क्या होता है कि जैसे आप उसके अंदर ट्रैक बॉल के ऊपर उंगली का मूवमेंट करेंगे, उंगली रख के उसका मूवमेंट करेंगे, तो प्रेशर जो पड़ेगा उसको सेंस करके कर्सर भी उसी हिसाब से मूव करता है। मीन्स प्रेशर को सेंस करके कर्सर मूव करता है इसके अंदर। पूरा जो ट्रैक बॉल होता है वो तो स्टेबल रहता है, बस आपका उंगली का जो मूवमेंट है उसी हिसाब से कर्सर भी मूव करता है। तो जो ये प्रेशर सेंसिटिव जॉयस्टिक्स होते हैं ना, इन्हीं को आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक भी बोला जाता है। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि प्रेशर सेंसिटिव जॉयस्टिक्स को आइसोमेट्रिक जॉयस्टिक्स भी बोला जाता है। अब बात करते हैं लाइट पेन की। तो लाइट पेन ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू आप डायरेक्ट मॉनिटर की स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, और लेफ़्ट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। लेफ़्ट क्लिक करने के लिए आपको जस्ट पेन को एक बार टिप करना होगा मॉनिटर की स्क्रीन पे, और राइट क्लिक करने के लिए आपको पेन को टिप करे रखना पड़ेगा उस पर। तो मीन्स ये दो डिफरेंस हैं कि अगर आपको लेफ़्ट क्लिक करना है तो जस्ट एक बार टिप करें, और राइट क्लिक करना है तो उसको टिप करे रखें। तो ये एक डिफरेंस है। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोफोन की। तो माइक्रोफोन माइक जो होते हैं माइक, उन्हीं को माइक्रोफोन बोला जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि माइक्रोफोन को ही शॉर्ट में माइक बोला जाता है। तो माइक्रोफोन एक इनपुट साउंड के रूप में इनपुट में साउंड को लेता है एंड आउटपुट में जो है इलेक्ट्रिकल वेव्स जनरेट करके उनको ट्रांसमिट करता है। ये माइक कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये जितने भी टेलीफोनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें जो है कार्बन माइक्रोफोन को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं डिजिटाइज़र की। तो डिजिटाइज़र जो होता है ये ग्राफिक टेबलेट भी बोलते हैं इसको, ये इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी होता है। अब जहाँ भी आप डिजिटाइज़र में टच करेंगे उस जगह के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसमें लोड हो जाएंगे, मींस ये ले लेगा उस जगह के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को। तो मींस ये क्या करता है सिंपली कि आप जो इसको ग्राफिकल या पिक्टोरियल डाटा देते हैं उसको ये बाइनरी मींस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के रूप में बाइनरी डाटा के रूप में स्टोर कर लेता है। तो ये डिजिटाइज़र का काम है। डिजिटाइज़र में कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है और इसका मेनली यूज़ होता है कैड के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, रोबोट के अंदर, मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर, और जीआईएस के अंदर, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डिजिटाइज़र का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं स्कैनिंग डिवाइसेस की। स्कैनिंग डिवाइसेस में स्कैनर आता है, MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आता है, OCR आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर आता है, एंड OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैनर की। स्कैनर जो होता है ना दोस्तों, ये क्या काम करता है कि जो हमारी हार्ड कॉपी होती है, हार्ड कॉपी मीन्स जैसे कोई
पेज है लिखा हुआ, जिस पे आपने कुछ लिखा हुआ है, तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो उस हार्ड कॉपी को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम स्कैनर करता है। तो स्कैनर में एक CCD यानी कि चार्ज्ड कपल्ड डिवाइस होता है। ये एक तरह का शॉर्ट ऑफ कैमरा होता है, मींस कैमरा होता है जो आप जैसे जो हार्ड कॉपी उसके अंदर रखेंगे, ये उसकी इमेज ले लेगा और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो स्कैनर CCD की मदद से जो है हार्ड कॉपी को और डिजिटल फॉर्म में चेंज करता है। अब स्कैनर की बात करें तो स्कैनर दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, एक होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। तो फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है ये 21x28 साइज का होता है और 20 सेकेंड के अंदर ये किसी हार्ड कॉपी को जो है स्कैन कर लेता है। और ये जेरोक्स मशीन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लैट बेड का। अब बात करते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर की। तो हैंड हेल्ड स्कैनर जो होते हैं ये लो वॉल्यूम अगर आपको स्कैन करना है, मीन्स कम आपके पास हार्ड कॉपी है, 3-4 ही है, तो उसको आपको स्कैन करना है तो आप हैंड हेल्ड स्कैनर की मदद से स्कैन कर सकते हैं। बट इसकी जो एक्यूरेसी होती है ना वो लो होती है, कम एक्यूरेसी का ये होता है। और जो ये मेथड यूज़ करते हैं स्टोरेज का, ये जो स्कैनर जो मेथड यूज़ करते हैं स्टोरेज का, उसे बिट मैप इमेज रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। इस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा, बिट मैप इमेज रिप्रेजेंटेशन जो ये मेथड जिसको ये यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है। अब बात करते हैं MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो MICR जो होता है मेनली बैंक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। जो चेक होता है ना दोस्तों, चेक उसमें एक कोड लिखा हुआ होता है जो 14 सिंबल का होता है, जिसमें 10 तो डिजिट होती है और 4 स्पेशल सिंबल होते हैं। और ये जो कोड होता है ना, ये एक स्पेशल इंक के थ्रू लिखा जाता है, जिसमें उस जिस इंक में आयरन ऑक्साइड मिला हुआ होता है। तो ये आयरन ऑक्साइड जो है ना मैग्नेटाइज किया जा सकता है, मैग्नेटाइज किया जा सकता है, इसलिए इसमें आयरन ऑक्साइड को मिलाया जाता है इस इंक के अंदर। तो MICR में जो है स्पेशल स्पेशली बैंकों के अंदर इसको यूज़ करते हैं, ये याद रखना। और एक इसमें इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि भाई इसमें आयरन ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है इसकी इंक के अंदर, एंड MICR 14 सिंबल का होता है। ये 3 पॉइंट इसमें याद रखने के हैं। अब बात करते हैं OCR की। OCR जो है बिट मैप इमेज जो होती है ना, उनको ASCII कोड्स में कन्वर्ट कर देता है। ASCII की फुल फॉर्म वैसे आपको पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII की फुल फॉर्म है। OCR जो है ये कैरेक्टर की शेप को रिकॉग्नाइज करता है। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे होंगे, ये इमेज है यहाँ पे, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये हार्ड कॉपी से रीड करने का काम कर रहा है यहाँ पे, तो कैरेक्टर की शेप को पहचानता है ये। अब ये जो OCR होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, OCR A एंड OCR B। OCR A जो होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है, एंड OCR B जो होता है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड होता है। मीन्स इनके अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं किसी कैरेक्टर को पहचानने के, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो ये काम में लिया जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल एंड इंश्योरेंस प्रीमियम के जनरेट करने के काम में इसको लिया जाता है। अब बात करते हैं बार कोड रीडर की। तो बार कोड रीडर जो होता है सिंपली कुछ नहीं होता है, ये जस्ट थिक एंड थिन लाइंस होती हैं। थिक एंड थिन मीन्स मोटी लाइन और पतली लाइन, और उनके बीच में गैप देके ये बनाया जाता है। लेकिन ये बारकोड जो है कि उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है जिस पे इसको लगाया जाता है, मीन्स उसको प्रोडक्ट को किसने बनाया है, और इस टाइप से उसकी कौन सी उसकी कंपनी है, किसने बनाया है, कितनी उसकी प्राइस है, ये सब इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर रहती है। तो बारकोड रीडर जो है उस बारकोड को स्कैन करके
और उसकी जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज़ है जितनी भी, मीन्स कि किसने उसको बनाया है, जो रियल डाटा है उसका, उसको मॉनिटर पे शो कर देता है। तो ये बारकोड रीडर आपने कई जगह देखा होगा, मॉल्स वगैरह में भी लगे रहते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक हैंडहेल्ड होता है, एक स्टेबल होता है जो फिक्स लगा रहता है एक जगह पे। तो ये बारकोड रीडर ऑप्टिकल होता है, ये मीन्स ये स्कैन करता है बारकोड को और उस हिसाब से अल्फा न्यूमेरिकल डाटा आपको दे देता है। अब बात करते हैं OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर की। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है ना, ये ज़्यादा कुछ स्पेशल काम नहीं करता है। जो आपने एग्ज़ाम्स दिए ही होंगे, आप एस्पिरेंट्स हैं, एग्ज़ाम दिए ही होंगे आपने, जो OMR शीट होती है ना उसके अंदर जो गोले भरते हैं, तो ये उनको इवेल्युएट करने के काम करता है, मीन्स उनकी गणना करने के काम करता है कि आपने कौन सा गोला लगाया है, और उस हिसाब से ये आपकी OMR को स्कैन करके और उसको रीड करने का काम करता है। तो दोस्तों ये थे इनपुट आउटपुट, इनपुट स्कैनिंग एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब दोस्तों इसी के साथ साथ हम अपने अगले वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम